सब कैसे हो सारे, आई होप कि सब बढ़िया होगे। सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइज आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होकर इन्जॉय कर रहे होगे। सो गाइज ये ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है मेरे लिए और आप सभी के लिए, क्योंकि ये हालांकि बहुत पहले आ जाना चाहिए था, माय हॉस्टल टूर ग्राफी गैरा डीम टू बी यूनिवर्सिटी का इन कैंपस हॉस्टल टूर, जो कि आ रहा है ये ब्लॉग आप लोगों की स्क्रीन में। तो गाइज ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो नए एडमिशन लेंगे, और साथ ही उनके लिए जो देखना चाहते हैं कि हमारा हॉस्टल कैसा है और कितनी सारी यहाँ होती है। सो गाइज अभी तो फिलहाल स्विच करते हैं ग्राफिक वगैरह की टी शर्ट में, क्योंकि मैंने अभी एक क्लास अटेंड करने भी कॉलेज जाना है। सो फिलहाल तो सबसे पहले शुरुआत करूँगा मैं अपने रूम से, उसके बाद मैं अपने हॉस्टलर्स दोस्तों की भी आप लोगों को जो है उनका एक्सपीरियंस और रिव्यू दूंगा, ये कैसा हॉस्टल है आखिर। और मैस दो हॉस्टल के आएंगे, सरदार पटेल और चंद्रशेखर आज़ाद। तो मेरा है चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार पटेल हमारे जस्ट बगल में। सो उसको तो बाद में करेंगे, फिलहाल अपने हॉस्टल का शूट करेंगे। और साथ ही गाइज आई होप कि आप लोग ये ब्लॉग इन्जॉय करोगे। और गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि दोनों ही हॉस्टल काफ़ी अच्छे हैं मीन्स मेरे परसेप्शन से और मेरे दोस्तों के परसेप्शन से, क्योंकि हमने काफ़ी इन्जॉय किया है और अभी हमारा फर्स्ट ईयर पूरा होने वाला था, सबका एक्सपीरियंस दिखाएंगे। सो फिलहाल चलते हैं। सो गाइज ऑल सेट, और मैंने पहन लिया ग्राफिक वगैरह की टी शर्ट, क्योंकि मैं कर रहा हूँ अभी ग्राफिक वगैरह के लिए ऑफिशियल काम, मीन्स इनडायरेक्टली उनके लिए ये प्रमोशन है। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं अपने ही रूम से। सो गाइज एंटर होते ही कुछ ऐसा है रूम, ये है यहाँ पे चार बेड। गाइज यहाँ पे चार बेड इसलिए हैं क्योंकि ये डोरमेट्री है, और यहाँ पे अंदर भी यहाँ पे दो रूम्स हैं, मींस दो बेड लगे हुए हैं, दो रूम है इसमें टोटल, और ये डोरमेट्री है। और इन सबको अवॉइड करना क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल की आप हालत जानते हो। और गाइज यहाँ पे आपको दो फैन मिल जाते हैं डोरमेट्री में, बस ये फ़ायदा है, लेकिन गर्म बहुत होता है। और गाइज बाहर का व्यू बहुत शानदार, बाहर से आपको लगभग ग्राफिक वगैरह देखने को मिलता है। सो गाइज छः वाले में वैसे सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे गर्म बहुत होता है गर्मियों के दिनों में। और गाइज दूसरा, भले यहाँ पे दो पंखे लगे हैं बट काफ़ी ज़्यादा, चार बंदे एक रूम पे रह रहे गाइज, गर्म तो होना ही ऑफकोर्स, और टॉप फ्लोर है। तो गाइज होपफुली कि नेक्स्ट ईयर मैं दो तीन वाले में शिफ्ट हो जाऊँगा और पूरे तीन फ्लोर्स में ऐसे तीन रूम है, छः वाले जो डोरमेट्री है। और साथ ही गाइज काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है क्योंकि छः बंदों में गाइज, लेकिन मेरे रूममेट सही मिले हैं तो अभी तो काम चल रहा है, बट आई होप कि नेक्स्ट ईयर पर मैं चेंज कर लूँगा। और सो गाइज अब चलते हैं बाहर, और बाहर का आपको सीन दिखाते हैं। दूसरे रूम जो थ्री सीटर है वो कैसे हैं वो भी दिखाते हैं। सो गाइज ये है तीन वाला रूम जो थ्री शेयरिंग है, इसमें आपको एक ही फैन मिलता है और साथ ही तीन बेड हैं यहाँ पे, और तीन कबर्ड मिलते हैं आपको अपना सामान रखने के लिए, और तीन साथ ही स्टडी टेबल्स मिलते हैं जिसमें आपको लाइट भी मिलती है, ताकि आप जो है आपके रूममेट आपसे परेशान ना हो। और ये काफ़ी वेल मैनर्ड रूम है गाइज, अभी मैं आपको टरसीम का रूम दिखाऊंगा और बाकी रूम भी दिखाऊंगा। सो गाइज ऐसा कुछ रूम दिखता है ये थ्री शेयरिंग। सो फिलहाल चलते हैं हम टरसीम के रूम में। अब चलते हैं टरसीम के रूम में, और जो मैंने आपको रूम दिखाया था उसके बाद ये कुछ ऐसा रूम है। और टरसीम भाई क्या हाल है? तो भाई आज मैं तुझसे ऑनेस्ट रिव्यू लेने आया हूँ इस हॉस्टल का, जिसकी तूने कितनी फीस भरी है? तो 1.5 गाइस की फीस है, आप इसके मुँह से भी सुन लो। और बाकी भाई कैसा है हॉस्टल, थोड़ा सा रिव्यू दे दे। हॉस्टल बहुत सही है, ऑनेस्ट रिव्यू देना। अरे सही है, बिल्कुल बहुत सही हॉस्टल है। नीचे बैडमिंटन कोर्ट अपना, वहाँ पे खेल लो, बारिश है जैसा भी मौसम हो रूम के बाहर निकलो। भाई यहाँ पे देखो गाइस जो टरसेम बता रहा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे आ सकते हो आराम, बस दिन में मत आना गाइस, दिन में बहुत गर्मी होती है। और एक चीज और दिखाते हैं हम आपको, अगर आपको रात को यहाँ किसी को परेशान करना है तो ये देखो भाई, बस गाइस इसका जो पावर बटन है वो बाहर है, तो इससे आप किसी को भी परेशान कर सकते हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इस हॉस्टल में एक ही दिक्कत है कि आपको कॉमन बाथरूम मिलेगा, और एक उस एंड में और एक इस एंड में है। तो टरसेम भाई जो इस हॉस्टल में होता आ रहा है कि चढ़ के सीधा आपकी वीडियो बन सकती है, जिससे आपको सतर्क रहना है। बिल्कुल कोई भी यहाँ सेल्फ में चढ़ के आपकी वीडियो बना सकता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। गाइज अपने फ्लोर में सिर्फ एक दिक्कत है, वो है कि अपने पास वाटर कूलर नहीं है, और फिलहाल तो उसका ऑर्डर दे दिया वार्डन ने, तो उसके लिए काफ़ी खुशी हो रही है। बहुत टाइम से लगे हुए थे, इंटरसेम से पूछो गए इसकी कितनी मेहनत करी है हमने वाटर कूलर को वापस अपने फ्लोर में लगवाने की। और साथ ही गाइज हमारे पास क्लोथ स्टैंड भी नहीं है जिस पर हम कपड़े सुखा सकें, बस हमें इसका प्राइस पता है इसलिए उठा के नहीं लाएंगे। गाइज हमने बस्ती वाला पूरा करने की कोशिश की थी। सो गाइज ये रहा यहाँ का बैडमिंटन कोर्ट, और ये अपना शाम का अड्डा है गाइज, मैं शाम को यहीं पे रहता हूँ गोल्डी से पूछो। पूरा भीड़ बनाता होता है गाइज, बहुत भीड़ रहती है, बहुत खेलने वाले आते हैं, तीन तीन चार चार घंटे तक यहीं रहते हैं के लिए ऊपर लगा है गाइज, ये पूरा ऑडियंस के लिए देखो। और ये कुछ अपना चौल जैसा हॉस्टल, चलें आप एस पी में। सो गाइज ये है एस पी में जाने का रास्ता,
मेन ये है एंट्रेंस, और दो रास्ते हैं, यहाँ से भी जा सकते हो और सामने वाली सीढ़ियों से भी जा सकते हो, तो हम सामने से चलते हैं। और ये रही गाइस मेस जो कि अभी लॉक है। सामने है टेबल टेनिस, जैसा अपना बैडमिंटन है, यहाँ मिलेगा आपको टेबल टेनिस खेलने के लिए, और काफ़ी स्पेस है गाइस यहाँ पे, तो आप क्रिकेट भी खेल सकते हो। गोल्डी कैसा लग रहा भाई, ये हॉस्टल ज़्यादा बढ़िया है कि अपना पढ़ाकू बच्चों के लिए? पढ़ाकू गाइस बहुत शांत रहता है ये हॉस्टल, दरअसल सच्चाई यही है। ये हॉस्टल मुझे दो तीन कारणों से अच्छा लगता है। पहला ये बालकनी, और दूसरा है कि रूम्स। ये रहा सामने अपना हॉस्टल, और यहाँ से व्यू देखो गाइस, पूरा ग्राफिक है रहा। सो गाइस ये कुछ रूम है सरदार पटेल के, और यहाँ पे गाइस काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि रूम का एरिया देखो आप, काफ़ी अच्छा और काफ़ी कूल है आगे रूम, मीन्स काफ़ी ठंडे हैं। और यहाँ पे स्टडी टेबल में आपको एक चीज़ दी हुई कि आपको आपके पर्सनल ड्रॉल्स भी दिए हुए हैं, जिसका आप सामान कैरी कर सकते हो। और साथ ही इसके अलावा यहाँ पे 3-सीटर रूम भी है, वैसे ही 4-सीटर है, और काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट ईयर हम सोच रहे हैं यहीं पर शिफ्ट होने की, और आपको देखो स्टैंड भी दिया हुआ है, मीन्स अपना हॉस्टल ना ज़्यादा बेटर है, मतलब यहाँ बहुत शांति थी आपने देखा। और ये भी वही कह रहा था कि बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे, पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा हैं अपने, उसमें फर्स्ट ईयर के ज़्यादा, तो बहुत अलग काटते हैं। सो फिलहाल अब अपने हॉस्टल वापस चलते हैं, और वहाँ पे दो तीन चीज़ें और मिस आउट हो रखी हैं, तो उसको गौर करके आपसे फिर बाद में मिलते हैं। गाइस दिन की धूप है, बट ये जो फील्ड है ना गाइस, ये हॉस्टलर्स को शाम को पूरा ओपन हो जाता है। इस साइड फुटबॉल, वहाँ पे क्रिकेट, यहाँ पे वॉलीबॉल, बैडमिंटन का अंदर है, लेकिन यहाँ पे बाहर भी खेला जाता है। तो ये है गाइस इस हॉस्टल की मेन एंट्रेंस, यहाँ पे है वार्डन का छोटा सा कैबिन, और यहाँ से एंटर होता है आप चंद्रशेखर आज़ाद में। यहाँ से एक दूसरा रास्ता है सारे फ्लोर्स में जाने का, और ये मेन वाला। इस वाले हॉस्टल में जो है ना, आपको पूरी चौल वाली वाइब आने वाली है। देखो ऐसा लगता है ना, जैसे आप ऊपर एंटर होते हो, जब मैं रूम में आता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कपड़े टंगे हुए देखता हूँ ना, तो ऐसा लगता है मैं चौल में एंटर हो गया हूँ, चौल होती है ना, बट असली हॉस्टल की वाइब इसी जगह है गाइस। सो गाइस मैंने आपको दोनों ही हॉस्टल दिखा दिए, मेरा मेन फोकस चंद्रशेखर आज़ाद पे था, क्योंकि ये मेरा अपना हॉस्टल है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, तो इसका आपको बताना ज़्यादा जरूरी है, और इसके बारे में भी मुझे ज़्यादा पता है। सो इसकी कॉस्ट और एसपी कॉस्ट गाइस सेम है, 1,03,000, जिसमें 5,000 सिक्योरिटी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको बता दी, और अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, जो ग्राफिक वगैरह में एडमिशन लेने वाले हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई हॉस्टल टूर वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आई होप कि आपको मेरा हॉस्टल टूर अच्छा लगेगा। छोटा था मगर काफ़ी इम्पैक्टफुल था उनके लिए, जो कि नया एडमिशन लेने वाले हैं ग्राफिक वगैरह के हॉस्टल में। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।